हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद भी नहीं सुधरी, शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क हो गया है। प्रदेश में कॉलेज छात्रों के पहले वर्ष के पुनर्मूल्यांकन के नतीजे अभी तक प्रदेश विश्वविद्यालय ने घोषित नहीं किए हैं, जिसे छात्रों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। ये बातें अखिल विद्यार्थी परिषद सोलन इकाई ने सोलन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। एबीवीपी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार के कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति नहीं सुधरी है व छात्रों को कई परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री शिक्षा व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सोलन जिला के अंदर जो ये प्रेस वार्ता की, इसके अंतर्गत हम प्रदेश सरकार के समक्ष कुछ जो मुद्दे संज्ञान में लाना चाहते थे, जिसमें रिवॉल्यूशन का जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि बच्चों ने 5-6 महीने पहले रिवॉल्यूशन का फॉर्म भरा था पर अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो इसमें भी विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार से मांग करती है कि प्रदेश विश्वविद्यालय जल्द से जल्द जो ये रिवॉल्यूशन का जो रिजल्ट है इसको घोषित करे, ताकि जो विद्यार्थियों के 2 साल बर्बाद हो रहे हैं, ये 2 साल बर्बाद होने से बचे। विद्यार्थी परिषद कहती है कि जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय नौणी व पालमपुर विश्वविद्यालय है, जो इसके अंदर लगातार फीस वृद्धि हो रही है, और विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार को कहती है कि जो गरीब बच्चा है जो इस विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ना चाहता है पर फीस अधिक होने के कारण वो इस विश्वविद्यालय के अंदर नहीं पढ़ रहा है, इसलिए जो ये फीस वृद्धि जो इस विश्वविद्यालय के अंदर हुई है उसको कम किया जाए। उज्जवल हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।